अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त खुर्रम शहजाद। आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारा मरी का छोटा सा ट्रिप। सुबह 5 बजे मैं और मेरा दोस्त इस्लामाबाद पहुंचे। थोड़ी रेस्ट के बाद बाकी दोस्तों के हमरा 12:35 के करीब हम मरी के लिए रवाना हुए। लेक व्यू पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ट्रैफिक जाम इतना बड़ा था कि हमें मरी पहुंचते हुए रात हो गई। मरी पहुंचने के बाद हमने एक रेस्ट हाउस में स्टे किया। स्टे के थोड़ी देर बाद हम मरी माल रोड के लिए निकले। माल रोड पे चलते हुए कुछ अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हुई, जिनका नाम पूछना मुझे याद नहीं रहा, मगर काफी अच्छे। आपको अब तो बता के जाऊंगा, अब तो बढ़ता है ते मैं भी जाके दसा ना। फिर हमने एक शानदार सा डिनर किया और माल रोड पर वॉक के लिए निकले। मरी में एक माल रोडी है जो इसकी वजह शोहरत है। माल रोड कुछ खूबसूरत लोगों की वजह से और भी खूबसूरत लग रही थी। कपल्स को देख देख कर दिल में बहुत सी ख्वाहिशें पैदा हो रही थी। खैर, वॉक के बाद अब वक्त था अपने रेस्ट हाउस में जाकर पार्टी सीन ऑन करने का। सुबह का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ पहाड़ और बहुत ही ठंड थी। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने पिंडी पॉइंट का रुख किया। वहां जाके बेसन के नान से नाश्ता किया और चेयर लिफ्ट की टिकट्स ली। चेयर लिफ्ट पर बैठ के पहाड़ों के मंजर और भी खूबसूरत हो गए थे। चारों तरफ हरियाली और हवा के झोंकों ने मरी की सैर का मजा दोबारा कर दिया था। और बस ये था हमारा छोटा सा ट्रिप। पिंडी पॉइंट से वापसी पर हमने इस्लामाबाद का रुख किया। इस्लामाबाद में रावल डैम के किनारे हमने अपना आखिरी बारबेक्यू एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को
ये छोटा सा ट्रिप अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में कोई नदी के ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि घूमना लाजमी है तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।